तो फ्रेंड चलिए आज हम लोग पोटैटो सैंडविच बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए इसके लिए देख लीजिए हमने क्या क्या लिया है। टमाटर है, आप सब्जी अपने हिसाब से मनपसंद डाल सकते हैं, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और 3 आलू बॉयल किया हुआ, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कट कर लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब इसके मसाले को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है, गर्म हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इसमें हम लोग जीरा ऐड कर रहे हैं तड़का के लिए। और तड़का थोड़ा सा चटकने लगेगा तो हम लोग इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हल्का कलर ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे चला चला कर। तो चलिए हम लोग इसे चला कर कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो इसे 2 मिनट लगेगा फ्राई होने में, तो चलिए हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऑयल में ही हल्दी डाल देंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए और कलर भी आ जाए, क्योंकि गर्मी की सीज़न है और इस समय धनिया नहीं ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो आपको। तो इसे साथ में ही फ्राई कर लेंगे और इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हाफ टमाटर हमने ऐड किया है क्योंकि टमाटर भी इस समय का ज़्यादा खट्टा मिल रहा है। तो चलिए अब इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं सॉफ्ट होने तक और मसाले फिर तैयार करेंगे। फिर इसमें हम लोग आलू ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखिए तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मेथी का पत्ती ऐड कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग आलू भी ऐड कर लेते हैं जो कद्दूकस करके रखे हैं। तो चलिए अब इसमें हम लोग आलू डालते हैं और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए आलू हम इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक फ्राई लगभग हो चुका है, कलर चेंज होने लगा है। तो चलिए इसे हम लोग 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए और इसे फ्राई कर लेते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत दूर कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए मसाले को लगा लेते हैं रात में, दोनों पे अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा मोटा ही लेयर लगाएंगे, इसे कट करने में दिखता है तो अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड हम लोग दोनों पे लगा लेंगे और इसे हाथ से अच्छे से फैला लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए अच्छे से लग चुका है, अब इसे हम लोग नीचे कर लेंगे और इसे ऊपर कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर खीरा, प्याज, टमाटर बीच में ऐड कर सकते हैं स्लाइस में काट के। तो चलिए अब इसे हम लोग सेक लेते हैं। यहाँ पर हमने तवा रख दिया है और यहाँ पे हम लोग रखेंगे, दोनों को एक ही साथ में सेक लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा तवा है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम लोग घी लगाएंगे, आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों पे हम लोग लगा लेते हैं घी और इसे पलट देंगे, दूसरे साइड भी लगा लेंगे, फिर हम लोग गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। फ्रेंड अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं है, पहले ही लगा ले रहे हैं ताकि हाथ ना चले। आप चाहे तो इसमें मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। तो फ्रेंड अच्छे से घी लग गया, अगर बटर में बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो कोशिश कीजिएगा बटर में बनाने के लिए, हमारे पास अभी था नहीं तो हम घी में बना रहे हैं। तो अब गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लगाएंगे। तो फ्रेंड इसे अब हम लोग पलट लेते हैं दोनों तरफ से, क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर निकल के आ रहा है। तो हल्का हल्का यहाँ पर प्रेस करेंगे ताकि
आलू से ये ब्रेड स्लाइस चिपक जाए अच्छे से, तो इसे प्रेस करके, और नीचे से कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा प्रेस करने से। तो फ्रेंड उधर से भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। और इधर से भी कर लेते हैं, और इधर से भी हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि बराबर लेयर में कलर एक जैसा हो जाए ब्राउन। तो फ्रेंड अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चलते हैं कट करते हैं। बहुत मज़ा आता है सैंडविच कट करने में। तो चलिए फ्रेंड इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बीच से ऐसे कट करेंगे, और ये देखिए कट के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कितना यम्मी टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड आप भी आ जाइए खाने के लिए, कितना अच्छा लग रहा देखने में, और बनाना भी बिल्कुल आसान है, इजी है तरीका। तो चलिए हम लोग बाकी दूसरा वही कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए बनके रेडी हो चुका है, और इसे हम लोग चटनी के साथ सर्व करेंगे, सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है, और बहुत ही टेस्टी है खाने में फ्रेंड। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसा बना। तो चलिए हम लोग ऐसे ही रेसिपी लाते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।